अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीम की साख दांव पर लगते ही टीम मैनेजमेंट को होश आ ही गया और सरफराज अहमद की पाकिस्तान टीम में वापसी हो गई। दोस्तों तीसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तान टीम की कंफर्म प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, मगर इससे पहले आपसे हमारी एक गुजारिश है कि आपको बाबर आजम की कैसी कैप्टनसी लगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, क्या सरफराज अहमद बेटर है या बाबर आजम। मेरी जाती राय के मुताबिक दोस्तों सरफराज अहमद बहुत अच्छे कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम की बहुत नाकिस कप्तानी नजर आई इस वनडे सीरीज में जो इंग्लैंड के खिलाफ हारी हमने। तो पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इमामुल हक की जगह अब्दुल्ला शफीक को लाया गया है, फखर जमान उनके साथ ओपनिंग करेंगे। इसके बाद वन डाउन पर कप्तान बाबर आजम जबकि टू डाउन मोहम्मद रिजवान होंगे। सऊद शकील भी खिलाए जाएंगे, सोहेब मकसूद को भी खिलाया जाएगा, जबकि सरफराज अहमद को इन कर लिया गया है। फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया है। तो दोस्तों शादाब खान को भी वैसे नहीं खिलाना जाना चाहिए था, मगर उन्हें शामिल रखा गया है टीम में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।